नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अभिनेता अक्षय कुमार और साइना नेहवाल द्वारा शहीदों के परिवारों को आर्थिक मदद देने से नक्सली भड़के, दोनों को धमकी दी। पठानकोट में मिलिट्री स्टेशन के पास मिला संदिग्ध बैग, हाई अलर्ट जारी। सार्वजनिक रूप से गाय को काटने वाले युवा कांग्रेस के 3 कार्यकर्ता निलंबित, 16 कांग्रेसियों पर केस। योगी आदित्यनाथ का बड़ा सवाल, DU और JNU पर बोलने वाले B5 पर चुप क्यों हैं? बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मोरा उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा, त्रिपुरा और मिजोरम में हो सकती है भारी बारिश। कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सबजार भट्ट समेत 8 आतंकवादियों के मारे जाने के विरोध में दूसरे दिन भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सबजार भट्ट की मौत के बाद कश्मीर में रियाज नाइक को बना हिजबुल का नया कमांडर। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। प्रतिबंध के बावजूद पश्चिम बंगाल में ममता के मंत्री ने लगाई लाल बत्ती, कहा हमने नहीं लगाई पाबंदी। पनामा पेपर लीक मामले में संयुक्त जांच दल ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज से पूछताछ की। ब्रिटेन के खुफिया अधिकारियों ने कहा देश में 23,000 से ज्यादा संदिग्ध आतंकवादी। सीरिया के उत्तरी शहर रक्का के दक्षिण में हुए हवाई हमले में कम से कम 17 लोगों की मौत। ये थी आज की खास खबरें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।